वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि हम लोग दोस्तों अभी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का साइंस का सीरीज हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, जिसमें कि ये मेरा सेकेंड वीडियो होने वाला है। फर्स्ट वीडियो आज ही दोपहर में अपलोड मैंने कर दिया था, तो अगर के आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको देख लें, उसके बाद ये सेकेंड पार्ट देखेंगे। आज इस वीडियो में हम उसके आगे का सवाल दोस्तों देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी आज तक बीपीएससी ने अपने एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए हैं रिलेटेड सब्जेक्ट से, सारा का सारा दोस्तों हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ऑलरेडी चैनल पे हिस्ट्री का ज्योग्राफी का ईवीएस का पॉलिटी का सारा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया है दोस्तों। तो ये जो हम लोग का चल रहा है ये साइंस का चल रहा है। जल्द ही 2-3 दिन के अंदर मैं सारा का सारा क्वेश्चन, जितना भी टॉप 500 क्वेश्चन आपका है दोस्तों, मैं वो सारा क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो बिना देरी किए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। अगर क्या आप लोग चैनल पर, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक करें। चलिए हम लोग वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास तक में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 तक दोस्तों हम लोगों ने कर लिए थे, तो ये जो क्लास हम लोग के होने वाली है 60 नंबर क्वेश्चन से आगे की ओर सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो जैसे ही 60 के बाद जो 61 नंबर सवाल दोस्तों आता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग के स्क्रीन पर, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों। तो जो अर्धचालक होता है उसका प्रतिरोध गर्म करने पर कुछ भी नहीं होता, जो रहता है वही रहता है। आप लोगों को पता होगा अर्धचालक किसको बोलते हैं। अर्धचालक एक ऐसा पदार्थ होता है दोस्तों जिसका जो प्रतिरोध होता है वो चालक से अधिक होता है, ठीक है, और जो कुचालक से होता है वो कम होता है दोस्तों। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, ये सारा का सारा क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी में बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं आप लोग करा दे रहा हूँ कि हो सकता है कि जो आपका टीआरई एग्ज़ाम होने वाला है इसमें क्वेश्चन रिपीट कर जाए, तो आप लोग का बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 में देखेंगे कि ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका हम को अधिक ठंडा लगता है दोस्तों। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लकड़ी के तुलना में जो दोस्तों लोहा होता है वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, आप लोग इस बात का याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में हम लोग देखेंगे कि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है दोस्तों। तो क्यों अनुभूति करता है? क्योंकि जो हम लोग का शरीर पर पसीना होता है दोस्तों वो वाष्पित होने लगता है, जिससे हमको ठंड का महसूस होने लगता है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर के आप लोगों ने अभी तक शिक्षक भर्ती का तैयारी अच्छे ढंग से नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को यही नहीं पता चल रहा है दोस्तों क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप लोगों के लिए मैं एक क्रैश कोर्स के टाइप पर मैं लेकर आ गया है, जिसमें आपका जो टोटल का टोटल जो पीआरटी का है दोस्तों, मैं सारा का सारा सिलेबस आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। ये कम समय में आपको कवर करने में मात्र 100 से 120 घंटे लगेंगे, तो आप अपने अनुसार चाहे तो 5 दिन के अंदर में भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं, 10 दिन के भी अंदर में कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। इसमें मैंने क्या किया है, जो भी बीपीएससी ने अपना सिलेबस दे रखा है उसको अकॉर्डिंग एक सटीक तरीका जो कि आपका पीआरटी के सिलेक्शन में डायरेक्ट टू डायरेक्ट मदद करेगा, सारा का सारा चीज दे दिया हूं। इसमें आपको कंटेंट क्या मिलने वाले हैं, अगर के बीपीएससी पीआरटी सिलेक्शन किट हमसे लेते हैं तो इसमें आपको कंटेंट क्या मिलेगा दोस्तों, उसमें 5 से 8 तक का जो बिहार सरकार अपने स्कूल में बुक्स पढ़ाती है उसका आपको समरी मिलेगा दोस्तों, साइंस का और आर्ट्स का दोनों का, ठीक। उसके बाद बीपीएससी का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सब्जेक्ट वाइज देंगे, दो टाइप में देंगे, एक प्रैक्टिस के फॉर्म में देंगे दोस्तों और एक इसको आंसर के साथ में देंगे, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में भी और याद करने में भी मदद मिले। उसके बाद जितने भी बिहार स्पेशल है मैं उसका दे दूंगा, बीपीएससी का पीछे का पूछे गया सवाल जितना भी है, उसके बाद मैथ का भी जितना प्रीवियस ईयर सवाल है उसका सोल्यूशन और आपका क्वेश्चन दोनों साथ में दे दूंगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है 500 मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आप लोगों को करंट अफेयर दूंगा 2022-2023 दोनों साल का, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा उसमें टचअप करने का मतलब संभावना हो दोस्तों, ठीक है। तो ये जो आपको मिलने वाले हैं दोस्तों मात्र 299 रुपये में मिलने वाले हैं, ये अभी 25% ऑफर्स के साथ में चल रहा है दोस्तों, तो हो सके तो जिनको भी लेना हो ये बाई कर लीजिएगा। ये एक बेहतरीन कोर्स होने वाले पीआरटी के लिए दोस्तों, क्योंकि जितना भी बीपीएससी ने अपना बोल रखा है कि मैं सिलेबस में क्या क्या पूछेंगा वो उसके अनुसार ही मैंने ये सारा कुछ डिज़ाइन किया है दोस्तों। इसका अगर एक कंटेंट का डेमो देखना है या क्वालिटी देखना है तो ये साइंस का मैं पूरा का पूरा पीडीएफ का मतलब पढ़ा दिया हूँ यूट्यूब पर, आप जाकर चेक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बहुत बातें हो गई, ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ पे दोस्तों दिए गए नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। तो अगला मेरा क्वेश्चन जैसे ही था
क्वेश्चन 64 में अगर के हम लोग आते हैं दोस्त, तो 64 क्वेश्चन आप जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कमरे में रखा फ्रिज का दरवाज़ा खोलकर क्या हो सकता है। तो जब आप फ्रिज का दरवाज़ा दोस्तों कमरे में खोल देते हैं तो ऐसा नहीं है कि फ्रिज ठंडा है तो आपका रूम भी ठंडा होगा, इसका बिल्कुल अपोजिट होता है दोस्तों, कमरे को थोड़ा वो गर्म कर देगा आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मेरे दोस्त कि यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ देते हैं तो कमरे का तापमान क्या होगा दोस्तों। तो जैसे कहीं बताएं कमरे का तापमान मेरा बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जान से पहले अगर लाइक नहीं किया वीडियो को फट से लाइक कर दें, तथा जो भी प्रीवियस ईयर वीडियो को मैं सीरीज आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया हूं चैनल पर, जाकर उसको जल्दी से जल्दी देखकर उसका फ़ायदा उठाएं। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं मेरे प्यारे शिक्षक लोग कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो अगर कि आप ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसायन के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है दोस्तों, तो ये मेरा कथन सही नहीं है। आपका अगर के ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी देखिएगा दोस्तों कि एक्रेलिन को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है क्योंकि वह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकते रहता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये गलत है। जो भी रेशम से डायरेक्ट आपको वो तैयार होगा उसको प्राकृतिक रेशा बोला जाता है, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा ये इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, दो उत्तरोत्तर श्रृंग तथा दो उत्तरोत्तर गर के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं तरंगदैर्ध्य। आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे जो ऐसे ऐसे बनता है इस टाइप का, ठीक है। अगला सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल मेरा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है दोस्तों। तो कौन सा नहीं बदलता है, वो मेरा आवृत्ति परिवर्तनशील नहीं है, ठीक है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आप लोगों से एक और बात बताना चाहूँगा। आप लोग अगर अभी शिक्षक बहाली की तैयारी बहुत मन ढंग से कर रहे होंगे, अच्छे से कर रहे होंगे, तो आप लोग ज़्यादा रिसोर्सेज पर ध्यान न दें। आपका जो भी रिसोर्स है, जो भी चीज़ है आपको, उसको 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर लें। रिविजन इज द के दोस्तों, अगर के रिवीजन नहीं कीजिएगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। ऐसा होगा कि मैंने बहुत सारा पढ़ लिया, अब एग्जाम में गए सारा क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहे हैं, उसको गलत करके आ रहे हैं, ये बहुत गलत चीज होगी आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 में चलेंगे दोस्तों। 69 जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ने के काम में आने वाले ग्लास किस प्रकार के लेंस होते हैं दोस्तों, किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। तो जो बनते हैं उत्तल लेंस से, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण किस प्रकार का है। तो वो दर्पण हमारा अवतल दर्पण है, खुद से बड़ा नजर आ रहा है उसमें। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मेरे दोस्त कि ध्वनि का वायु वेग कितना होता है। तो लगभग जो वायु में जो दोस्तों ध्वनि का वेग होता है वो मेरे 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, जो लोहा में होता है दोस्तों वो होता है मेरा 5950 होता है, और जो सबसे अधिक ध्वनि का चाल होता है वो ठोस में होता है यानी कि इस्पात में होता है। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल में यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्त मेरे कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, किस प्रकार की उसका प्रकृति और दोस्त होते हैं। तो वो एक तरंग होता है और कण भी होता है, ये दोनों होते हैं, यानी कि तरंग एवं कण दोनों के समान में होते हैं प्रकाश विकिरण। अगला सवाल नंबर 73 की तरफ चलेंगे दोस्त। तो 73 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पर, आकाश नीला लगता है, क्यों लगता है नीला। क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। अगला सवाल जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझा जा सकता है। तो तारा आकाश में क्यों टिमटिमाते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इस सवाल को, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगला सवाल है मेरा यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पानी का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री पर होता है। तो जो अधिकतम जो घनत्व होता है दोस्तों वो मेरा होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है 76 नंबर क्वेश्चन कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फॉरेनहाइट स्केल पर कितना होगा दोस्तों। तो अगर कि आप उसको ज्ञात कीजिएगा तो आपका आएगा 122 डिग्री फॉरेनहाइट। मैंने जब क्लास 6 का समरी करा रहा था साइंस का, तो उसमें आपको फॉरेनहाइट में और सेल्सियस में दोनों का रिलेशन और कैसे चेंज किया जाता है सारा कुछ मैंने बताया हुआ है वहाँ पे। अगला सवाल है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 के, बर्फ का एक टुकड़ा पानी के ग्लास
के भरे हुए बीकर में तैर रहा है। अगर कि पूरा बर्फ पिघल जाता है तो पानी का स्तर क्या होगा। मान के चलिए एक यहाँ पे दोस्त गिलास रखा हुआ है, इसमें पानी रखा हुआ है, यहाँ पे बर्फ डाल दिए, तो अगर बर्फ पिघल जाएगा तो क्या होगा। वो उसमें कुछ भी नहीं होगा, जल स्तर नहीं बदलेगा, क्योंकि जो जितना आयतन होता है दोस्तों बर्फ ऑलरेडी अपना घेर चुका होता है, पिघलने के बाद भी उतना ही आयतन में सिमट कर रह जाता है। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर है कि वर्षा के बूंद को गोलाकार आकृति का कारण है दोस्तों। तो क्यों गोलाकार होता है ये सब लोग आप लोग जानते होंगे, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव होता है, इसीलिए उसको गोलाकार बनाए रखता है। अगला सवाल है कि सबसे ज्यादा श्यानता किस में होती है। याद रखिएगा श्यानता जो सबसे ज्यादा गाढ़ा पदार्थ होगा, जो जितना गाढ़ा होगा उसका श्यानता उतना ही अधिक होगा। तो इसमें से देख लीजिए गाढ़ा कौन सा है, तो यानी कि शहद है, तो शहद मेरा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल मेरा स्क्रीन पर यह रहा 7 करोड़ का सवाल दोस्तों। जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पर कि महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है। तो ये आप लोग को पता होगा क्यों आती हैं, क्योंकि चंद्रमा का दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के कारण मेरा वहाँ पे जल तरंगे बनती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 81, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा। हमारा प्यारा भारत ने चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, ये भी बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा चंद्रमा पर से। मैं भी पत्थर लेकर और आप भी पत्थर लेकर पृथ्वी पर आइएगा, ये बहुत ही जल्द होने वाला है। आई प्राउड ऑफ माय इसरो दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल मतलब इस सवाल को देखते हैं तो ये सवाल में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे इसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। याद रखिएगा ये भार क्यों बदलता है, क्योंकि पृथ्वी पर जी का मान और चंद्रमा पर के जी का मान दोनों का अंतर होता है, इसलिए ये बदल जाता है। अगला सवाल की तरफ देखते हैं, अगला सवाल यहाँ पे स्क्रीन पर आपको यूँ रहा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर देख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कुकर का जो दोस्तों एरिया होता है बहुत ही कम होता है, यानी कि उसके अंदर जो भी दबाव होता है दोस्तों, दबाव के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, ठीक है दोस्तों। तो राइट मेरा आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यूँ रहा, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है। ये तो बच्चा मतलब जो छः महीने का बच्चा होगा ना, इसको ही बोलेगा ना कि बाबू सौर ऊर्जा का जो प्रकाश मतलब किससे प्राप्त होता है, तो वही बोलेगा देखिए वहाँ पे सूरज भगवान जी उग रहे हैं। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा सूर्य यहाँ पे दोस्तों, सौर मतलब सूर्य, सिंपल सी बात है। अगला सवाल है कि सूर्य का ऊर्जा का निर्माण होता है कैसे दोस्तों, होता है सूर्य का, तो वो मेरा होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है, ये सब थ्योरी के क्लासों में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अगला सवाल है दोस्त यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, ठीक है दोस्तों। तो वो जो छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को, इसको अच्छे से देखना है तो शायद जो पोखरण मूवी दोस्तों बना हुआ है अक्षय कुमार का, शायद इसी के ऊपर बेस्ड मूवी है, आप लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, वर्ष दीर्घतम होता है कौन से ग्रह पे दोस्तों, सबसे ज़्यादा वर्ष दीर्घतम होता है, तो वो मेरा होता है प्लूटो पर। आप लोग याद रखिएगा प्लूटो का जो होता है मतलब जो वहाँ का वर्ष होता है 248 पृथ्वी वर्ष के बराबर होगा, आप लोग याद रखिए ये चीज़ को, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग ये चीज़ें समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है दोस्त, वो होता है मेरा 3×10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्त, ठीक। अगला सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल से पहले अगर कि अभी तक वीडियो लाइक नहीं कर जल्दी से लाइक कीजिए, अगर भूख प्यास कुछ भी लगा हो पानी पीजिए और डायरेक्ट पढ़ने बैठ जाइए, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी अब समय नहीं बचा हुआ। जितना हो सके अधिक से अधिक पढ़ाई कीजिए, जितना अधिक से अधिक याद कीजिए, जो भी मिले। अगर के मान लीजिए मैथ बनाने का मन नहीं कर रहा है तो बुक्स पढ़ने लग जाइए, बुक्स पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो हिंदी पढ़ने लग जाइए, इंग्लिश पढ़ने लग जाइए, लेकिन पढ़ते रहिए। मात्र आपको पास खूब से खूब 30 दिन बचे हैं, 30 दिन में खूब इतना मेहनत कर दीजिए, बीपीएससी क्या कोई भी एग्जाम आपसे क्रैक हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 88 तो मैं देख लिया, क्वेश्चन नंबर 89 में देखते हैं मेरे दोस्तों कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितना में पहुंचता है, तो जैसे कि सबको पता होगा 8 मिनट 19 सेकेंड लगते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं 500 सेकेंड भी ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन है मेरा यहाँ पे 8 मिनट दे रखा है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन जिस समय ये सवाल दोस्तों पूछा गया था उस समय इसका जो राइट आंसर लिया गया था 8 मिनट लिया गया था, लेकिन 8 मिनट नहीं होगा, बाद में आयोग ने इस सवाल को कैंसिल करके इनमें से क्यों नहीं किया गया था ऑप्शन नंबर ई, ठीक है दोस्तों। क्योंकि टोटल 500 सेकेंड लगते हैं या तो 8 मिनट 19 सेकेंड लगते हैं, जब ऑप्शन मेरा इनमें से कोई नहीं है तो मेरा राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये तो बचवानों जानता होगा, जो 5वां क्लास का
बच्चों के पढ़ाइएगा ना आप लोग, उससे ही पूछेगा कौन सा सबसे बड़ा ग्रह बाबू, तो बोल देगा कि सर 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 पृथ्वी है, ठीक है, तो मेरा पृथ्वी यहाँ पर राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्त। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 91, यहाँ पर जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है दोस्तों, तो बेसिक सी फोर्ट्रॉन ये तो पढ़ते बहुत बार आए होंगे, कौन सा नहीं, वो है मेरा फास्ट। फास्ट क्या है मेरा, तो केवल और केवल मोबाइल का गति है फास्ट, हमारा गति फास्ट नहीं है क्योंकि हम तो अपना सिलेबस कवर भी नहीं कर पा रहे हैं विद इन टाइम पर, तो फास्ट कौन हुआ, मोबाइल फास्ट है आज के ज़माने में, हम फास्ट नहीं है दोस्त, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है दोस्त, वो किया जाता है मेरा प्यारा टंगस्टन, राइट आंसर हो जाएगा मेरा डॉग। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल मेरा 93 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके 7 करोड़ रुपए का, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है, जल्दी से जल्दी सवाल का आंसर जितने भी लोगों को पता हो पहले कमेंट सेक्शन कीजिए, उसके बाद इसको आंसर देखिए, या तो जिसको भी पता होगा वो भी कमेंट करेगा यहाँ पे कि मेरे को ये सवाल पता था दोस्तों, ठीक है। फिर से सवाल मैं एक बार पढ़ना चाहूँगा कि निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, तो कौन सा होती है, वो मेरा होती है जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल देख सकते हैं यहाँ पे मेरे स्क्रीन पर कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं, यानी कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन होते हैं दोस्तों, तो वो होते हैं मेरे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बाहर जो चक्कर लगाता है वो मेरा इलेक्ट्रॉन लगाता है बबुआ, ठीक है। अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगला सवाल आप लोगों को नज़र आ रहा होगा आई होप, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है दोस्तों, तो जब पहला नंबर ही ऑप्शन आप लोग देखिएगा तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति कारण परमाणु विद्युत रूप में उदासीन होता है, पहली बात तो जो नाभिक के अंदर में इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, तो मेरा तो यही सही हो जाएगा, यानी गलत ऑप्शन पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दोस्त। अगला सवाल स्क्रीन पर आपका नजर आ रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है दोस्त, तो कौन सा सबसे बड़ा भंडार है, तो सब फिर से वही बात, मेरा सूर्य भगवान सौर ऊर्जा, ये कभी खत्म नहीं होगा। अगला सवाल है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है, तो वो मेरा आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, संलयन पे नहीं, क्योंकि एक छोटा नाभिक टूटकर बहुत ही बड़ा में बिखरता है, यानी कि विखंडन वहाँ पे होता है। अगला सवाल देखते हैं मेरे स्क्रीन पर है, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है दोस्त मेरे, तो वो मतलब आधारित है हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन पर आधारित है ये, ठीक। ये सवाल बहुत बार पूछता है, आप लोग ध्यान देखिए, जैसे कि 2022 में ये पूछा गया है, ऐसा ऐसा सवाल ही आपको देंगे और इसमें कंफ्यूज होकर नियंत्रित अनियंत्रित में कंफ्यूज करके गलत कर दीजिएगा तो समझिएगा आपका एक नंबर गया, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा इस सवाल का। अगला सवाल है 99 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है, तो कौन सा नोबेल गैस, यानी कि हमारे पर्यावरण में कौन सा गैस नहीं पाया जाता है, वो है मेरा रेडॉन। रेडॉन कौन सी मतलब वायुमंडल के सतह पर पाया जाता है, मैं जब आप लोगों को पढ़ा रहा था समरी में तो बताया था कि कौन से मंडल में ये रेडॉन पाया जाता है, जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट सेशन में ये बताइएगा, रेडॉन वायुमंडल की कौन से सतह पर पाया जाता है, कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल, आयन मंडल, ये जो भी होता है ना उसमें बताइएगा आप लोग, ठीक। 100 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है, तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट किस पे आधारित होता है, माप वाट पे होता है, ठीक। जितना वाट का आप मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज यूज कीजिएगा उतना ही आप लोग का ज़्यादा बिजली बिल आएंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है, सबसे भारी धातु कौन सा है दोस्तों, तो वो है मेरा यूरेनियम, ठीक, ये मेरा राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि इनसेट 2A कब छोड़ा गया था, तो जो इनसेट 2A छोड़ा गया था दोस्तों, वो छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 को, तो टोटल का टोटल जितना है प्रीवियस ईयर का मेरा फिजिक्स का सवाल आया था लगभग 100 सवाल, ये सारा कंप्लीट करा दिए हैं। कल से मेरा जो स्टार्ट होगा दोस्तों, मतलब अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा मेरा रसायन विज्ञान का, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोग यहां तक पहुंच गए होंगे देखते देखते, उसके बाद चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद दोस्तों।